हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो आज है 26 अक्टूबर और जम्मू कश्मीर पुलिस के बॉर्डर बटालियन के एग्जाम जो है आज कंडक्ट हुए हैं। हालांकि एग्जाम के बाद एक कैंडिडेट ने जो है मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा और कहा है कि सर इस पेपर को सॉल्व करके इसके आंसर्स बताइए। हालांकि क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, जिस कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन पेपर दिए हैं तो कुछ ऑप्शंस जो है मेरे अकॉर्डिंगली उसने गलत लगाए हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं और कैसे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं जितने जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि हर एक आंसर को यहां पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि क्यों आंसर जो है उस क्वेश्चन का आया है। हालांकि मैं जो है अपने सेटअप पे नहीं हूं, कहीं बाहर हूं, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि फोन के अकॉर्डिंगली कैसे जैसे भी वीडियो बन पाएगी तो मैं बनाकर आपके साथ जो है इस क्वेश्चन के आंसर जो है शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते। पहले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 15वां प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का 15वां प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि रिसेंटली जो है अपॉइंट हुए हैं बाय द इलेक्शन, जो कि प्रेसिडेंट के होते हैं। उसके साथ में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो आप सभी को जो है 5 अगस्त की डेट जो है कभी भूलेगी नहीं 2019 की, जिसमें जो है राज्यसभा में जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन बिल को जो है प्रेजेंट किया गया हॉनरेबल अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा में और 9 अगस्त को जो है प्रेसिडेंट असेंट मिला और 31 अक्टूबर 2019 को जो है जेएंड के यूटी जो है पूरी तरह से बन चुकी थी। तो 2019 यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर, तो 2020 को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो सी रहेगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आप ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 1920 को जो है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन, तो कुल मिला के 4 वेदास हैं, जिसमें आप जानते हैं ऋग वेद आ जाता है, साम वेद आ जाता है, यजुर्वेद आ जाता है और अथर्व वेद आ जाता है। जितने कैंडिडेट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या चीज यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, तो वंदे मातरम जो है वो बैंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो नेशनल एंथम जो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1913 में जो है गीतांजलि बुक के लिए, इनको नोबेल प्राइज भी जो है दिया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जेएंडके, तो फर्स्ट गवर्नर जो है जेएंडके का पूछा गया है वो हमारे डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज एन आयरन ओर, तो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रहता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेंशियबल रिसोर्स, रिप्रेंशियबल रिसोर्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो फिर से जनरेट हो जाते हैं, तो वो है आपकी विंड एनर्जी इन ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा इसका। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एल्यूवल सॉइल इज फाउंड इन, तो एल्यूवल सॉइल जो है कहां पाई जाती है, देखिए एल्यूवल सॉइल जो है हमारी वो पंजाब से वेस्ट बंगाल की तरफ जो है जाती है, वो सारी जो है एल्यूवल सॉइल है, तो इसमें जो है पंजाब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए जो है सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च हुआ था 1973 को, जो कि 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। डेट्स भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साथ में, 1 अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यस, चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, तो चिपको मूवमेंट जिसमें जो है आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, चिपको मूवमेंट जो है उत्तराखंड के हिमालय रीजन में जो है स्टार्ट की गई थी, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहले होम मिनिस्टर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, जो कि मैंने अपने पॉलिटी के पार्ट 2 के लेक्चर में आपको 2-3 दिन पहले जो है बताए हैं एमसीक्यूज में। उसके बाद 13th क्वेश्चन की बात करें, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है बोला गया था, तो ऑप्शन बी सी जो है माफ कीजिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है वो होस्ट जो है कहाँ पे हुई है, तो वो जो है आपकी हुई है बर्मिंघम में हुई है, जो कि इंग्लैंड में है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, माफ कीजिए जो क्वेश्चन नंबर माफ कीजिए 14 का जो है सी आंसर रहेगा आपका, ब्रिंगमन जो कि इंग्लैंड में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो जिस कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा था उसने बी करेक्ट किया था, जो कि इस कैंडिडेट का क्वेश्चन का आंसर गलत है। उसी तरह में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि पहले नंबर आती है जम्मू इंडिया में। उसी के साथ में, हु इज द करंट लोक स्पीकर
लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, तो ओम बिरला जो है हमारे करंट लोकसभा के स्पीकर है, और राज्यसभा के स्पीकर जो है वो हमारे एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, जो कि राजीव धनकर जी हैं, जो कि रिसेंटली जो है अभी अपॉइंट हुए हैं। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी गलत मत करिएगा, मैं साथ ही में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ऑप्शन क्यों है। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री बॉर्डर विद इंडिया, तो इंडिया के साथ इनमें से कौन सी कंट्री जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बना देता हूँ इंडिया का, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, भूटान जो है यहाँ पे है, उसी के साथ में नेपाल भी जो है यहाँ पे है, वो भी बॉर्डर अपना शेयर करती है, हालांकि म्यांमार भी शेयर करती है। उसी के साथ इराक की बात की जाए, तो इराक जो है अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करती। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो श्री एम एस स्वामीनाथन है, जिनका पूरा नाम जो है वो है मनकम्बू संबिवसन स्वामीनाथन, जो मुझे क्लियरली नाम एग्जैक्टली याद नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्युमुलेटेड इन द स्ट्रेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक, तो सेडिमेंट्री में जो है मिनरल्स डिपॉजिट भी होते हैं और एक्युमुलेटेड भी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सीईओ ऑफ गूगल, तो सीईओ ऑफ गूगल जो है वो हमारे सुंदर पिचाई है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, क्योंकि एलन मस्क जो है वो टेस्ला के सीईओ है। टिम कुक की अगर बात की जाए तो जो एप्पल के सीईओ है। प्रयाग अग्रवाल की बात की जाए तो जे ट्विटर के सीईओ हैं। तो देखिए सभी के सीईओ मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन सी सही, बी जो है सही आंसर रहेगा। उसी अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है हमारी जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि बी ऑप्शन है। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक मुझे नहीं भूला, तो आई थिंक आप लोगों को भी जो है नहीं भूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी इज स्किन, तो स्किन ऑप्शन कहां पे, ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ, न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन के पार्ट रहते हैं, अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट पढ़ा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो उन्होंने न्यूरॉन्स के बारे में जो है अच्छे से पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन का कंसेप्ट है। इसी के साथ में बात करें, जाइलम और फ्लोएम जो है आप लोगों ने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, तो जाइलम इन प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के लिए, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। उसी के साथ में 26 के क्वेश्चन की अगर बात करें, तो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन यानी ब्लड आरबीसी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो एनेमिया हो जाता है, उसको एनेमिया कहा जाता है, तो एनेमिया ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। नाइट साइटनेस इज नोन एज, नियर साइटनेस इज नोन एज, पास की नजर जो सही हो, दूर की कम हो, उसको क्या बोला जाता है, तो वो आपको बताना है, वो कहा जाता है मायोपिया, ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा इसका। और जिसकी पास की नजर कम होती है और दूर की नजर जो है सही होती है उसको हाइटरमायोपिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कुल मिला के 46 होते हैं जिसमें से पेयर्स में होते हैं जिसमें 23 जो है वो सही आंसर रहता है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। हालांकि 23 की अगर बात की जाए तो 23 में से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स, और जो एक क्रोमोसोम बचता है यानी 23rd वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, बट 22 जो ऑटो, जो मैंने आपको बताया कि ऑटो क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स जो है ये मेल और फीमेल में सेम रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो आपका है ग्रेगर मेंडल जो है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। उसके साथ में क्वेश्चन 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशनल, तो कॉमनवेल्थ नेशनल में कौन सी कंट्री जो है पार्ट नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया भी थी, साउथ अफ्रीका जो है वो भी थी, बट यूएसए जो है नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हवा महल इज फाउंड इन, तो हवा महल जो है सिटी ऑफ जयपुर में है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 31 का। 32 की बात करें, कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर, तो कश्मीर जो है वो जो है किसके नाम पे, वैदिक सगे कश्यदेव के नाम पे, तो यानी ऋषि कश्यदेव, ऑप्शन सी जो है 32 का करेक्ट आंसर है। 33 की बात करें, वितास्ता जो है किस रिवर का एंशियंट नेम है, तो वो आपकी जेलम का है जो कि जम्मू कश्मीर में चलती है, आप लोग जानते ही हैं, तो ऑप्शन सी जो है 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और जेलम जो है ये श्रीनगर की वैलीज में चलती है यानी कश्मीर वैली में चलती है, इस चीज का जो है आपको पता होना चाहिए, तभी हमारे जम्मू में चलती है, चिनाब भी जम्मू में चलती है और इंडस का भी आपको पता ही है। उसके साथ में आप बात कर लेते हैं 34 का, सन टेम्पल इन कश्मीर इज, तो सन टेम्पल जो है कश्मीर में वो क्या है, इन चार ऑप्शन से आपसे पूछा गया है, तो वो है आपका ऑप्शन ए जो कि है शंकराचार्य टेम्पल। और इसी के साथ में
माफ कीजिए, शंकराचार्य टेम्पल नहीं, मर्तंड टेम्पल जो है रहेगा, और ये अनंतनाग में है टेम्पल। इस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन 34 का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 35 की बात करें, सूर्यपुत्री जो है किस रिवर का नाम है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सूर्यपुत्री जो है वो कहा जाता है तवी रिवर को, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। 36 क्वेश्चन की बात करें, जन्माष्टमी जो सेलिब्रेट करते हैं हम हिंदुइज्म में, ये किसके लिए होता है? तो ये कृष्ण भगवान के बर्थ के लिए होता है, तो लॉर्ड कृष्ण से रिलेट करता है जो हमारा जन्माष्टमी का रहता है फर्स्ट। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, हाउ मेनी सिटीज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मेजोरिटी बच्चे जो है 20 ही लगाएंगे और 20 ही करेक्ट आंसर है। 22 जो थी वो पहले स्टेट में हुआ करती थी, बट यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी की बात की है, तो कुल मिला के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहेंगी, जिसमें 10 जो है जम्मू में रहेंगी, 10 जो है कश्मीर में रहेंगी, और 2 जो है वो लद्दाख में चली गई है। उसी के साथ में बात करेंगे 38 क्वेश्चन की, आर्मी डे सेलिब्रेटेड 15 अगस्त, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आर्मी डे जो है 15 जनवरी को माफ कीजिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ में 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। देखिए आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ, आज का हॉलीडे क्यों है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर को जो है जे एंड के जो है इंडिया का पार्ट बना था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है 26 अक्टूबर को साइन किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन जो है राइज हो गया, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि 26 अक्टूबर 1947 के एसेशन पे जो है कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जो कि आपको आज यहाँ पे देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ अ वाटर इज, तो 1.333 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो वाटर का, तो जिस कैंडिडेट ने पेपर भेजा उसका क्वेश्चन का आंसर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज, देखिए न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एकदम न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन रहता है, उसी के न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात की गई, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो कि इलेक्ट्रॉन है। ऑल मेटल्स ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस भी है ध्यान रखिएगा, क्लोराइन भी जो है नॉन मेटल, लिथियम जो है वो मेटल है, तो ऑप्शन 42 का जो है सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसके साथ में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर, तो देखिए अभी जो है कुल मिला के 543 सीट रह चुकी हैं, अमेंडमेंट जो है न्यूली अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियंस की सीट को जो है कम किया गया है 104 अमेंडमेंट एक्ट में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा फिलहाल अगर आप लोगों ने पढ़ी है, मेरे लेक्चर्स में डाला हुआ मैंने, तो 543 सीटें अब रह चुकी हैं, बट यहाँ पे जो है ऑप्शन 543 के अकॉर्डिंग आपको नहीं दिख रहा, तो पहले जो है वो 550 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें 545 सीट्स एक और 5 सीट्स जो थी वो जो है प्रेसिडेंट के असेंट पे लगाए जाते थे, पर्संस नॉमिनेटेड पर्संस होते थे, तो कुल मिला के 550 सीट हुआ करती थी, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बट अब मैं आपको बता दूं 543 सीट्स जो है रह चुकी हैं, एंग्लो इंडियंस की सीट्स जो है यहां से डिलीट कर दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, हु इज द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो लास्ट गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक और फर्स्ट गवर्नर जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और सेकंड जो अभी चल रहे हैं वो हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने चार्ज अपना जो है 7 अगस्त 2020 से आई थिंक जो है चार्ज लिया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन जो है सही आंसर रहेगा। इन फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है लद्दाख में है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन इज अ हेडक्वार्टर इन, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। इस क्वेश्चन की मुझे कुछ समझ नहीं है कि किस अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बनाया गया, तो इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं। उसके साथ में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज द्रास, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी साल्टी वाटर में जो पाए जाते जो है जो मिलते हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 48 के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। वेस्ट बंगाल गुजरात और तमिलनाडु में जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, अ लैंड मास बाउंड्री बाय सी ऑन थ्री साइड्स, तो कोई एक बाउंड्री जिसको तीनों तरफ से जो है पानी ने घिरा हो तो उसको हम जो है पेनिनसुला कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। 50 की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, वुलर लेक जिसे हम फ्रेश वाटर लेक भी कहते हैं वो कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के ऊपर भी डेफिनेटली एक लेक्चर जो हमें लेकर आऊंगा, जितने JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट के ऊपर भी जो आपको फॉरेस्ट की टाइप के ऊपर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मेघालय में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं, इस तरह से याद जो है आपको रखने है कि
डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? अगर देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया, मध्य प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट दिए जाते हैं, एवरग्रीन जो है नहीं रहते, उसी के अकॉर्डिंगली नॉर्थ में तो डेफिनेटली नहीं रहते, तो उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, हिमाचल में जो है आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो करंट ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के अभी जो कैप्टन है वो है हमारे रोहित शर्मा, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इस 2022 में रिसेंटली सर्वे हुआ है क्लीनेस्ट सिटी का, और वो सिटी जो है आपकी वो है इंदौर, ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपका रीजनिंग का, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, तो इतना टाइम जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 54 में कुछ हद तक मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाया सही मायने से, जो कि इस वक्त मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, तो मुंबई जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है, 12 मिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन जो है मुंबई सिटी में है, तो मुंबई की जो सबसे ज्यादा इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुंबई में है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 57 की बात करें, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए विटामिन के जो है वो हेल्प करती है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करें 58 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर, तो आर्टिकल 16 जो है आपका आता है जो इक्वालिटी देता है पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कल जब परसों आई थिंक पार्ट थर्ड में हमने कल ही जो है इस क्वेश्चन को पढ़ा था, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स जो थे वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें 12 से लेकर 35 तक थे, हालांकि कुल मिला के हम इसको 14 से लेकर 35 तक मानते हैं, जो कि पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर, तो एनपीके फर्टिलाइजर में पोटेशियम भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, फॉस्फरस भी आता है, बट निकल नहीं आता, तो निकल जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 59 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 60 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डू नॉट बिलोंग टू द स्पोर्ट क्रिकेट, तो देखिए क्रिकेट में LBW भी होता है, सिली पॉइंट भी होता है। सिली पॉइंट क्या होता है, देखिए जब कोई बैट्समैन क्रिकेट बैटिंग कर रहा हो तो उसके साथ में जो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज में कोई फील्ड अगर आप सेटअप करते हैं उसको सिली पॉइंट कहा जाता है, स्क्वायर लेग भी आता है, बट हेडर की बात करें तो जो फुटबॉल का जो है एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हेड कर कर गोल किए जाते हैं, केवल आपने देखा ही होगा हाई फुटबॉल को जो जब भी रोका जाता है या कहीं पर डायरेक्शन दी जाती है उसको, तो हेडर के थ्रू दी जाती है, तो हेडर जो है वो फुटबॉल गेम का ही पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैराथन इज टू रेस एज और हर्बिनेशन इज टू स्लीप, तो जो ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 का। हु विच टीम वॉन द आईपीएल 2022, तो गुजरात टाइटन्स, यहाँ पे आप भूल नहीं पाएंगे हार्दिक पांड्या को, बहुत ही बेटर एफर्ट्स जो है उन्होंने किए थे गुजरात टाइटन्स को जीतने के लिए, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 62 क्वेश्चन का। उसके साथ में आप बात करेंगे 63 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस जो है आर्गन नहीं है, ऑप्शन बी माफ कीजिए ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस जो है यहाँ पे आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 63 में, तो यहाँ पे आर्गन ही जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मिथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है आपकी गैस आती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। उसके साथ में बात करेंगे फिर 64 क्वेश्चन की, सनलाइट इज अ मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो सनलाइट जो है वो किस विटामिन का मेजर सोर्स है, तो विटामिन डी जो है वो मेजर सोर्स है, सनलाइट से जो है विटामिन डी मैक्सिमम मिलती है। देखिए आप सुनते होंगे कि सर्दियों में लोग धूप क्यों सेकते हैं, अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे कहा जाता है कि इंजेक्शन लगेंगे आपको, तो इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उसको जो है सनलाइट की से जो आ रही विटामिन डी होती है उसकी कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 65 की, हाल्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडक्टेड टू द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको जो है ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन सी का सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 16 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे नगरोटा में है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल टीम प्लेइंग, देखिए ऑन फ्लोर एट अ टाइम जो है बास्केटबॉल में 5 ही प्लेयर खेलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे, रिसेंटली इंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज नेम्ड एज, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो INS विक्रांत जो है क्वेश्चन नंबर 68 का ए आंसर रहेगा। 69 की अगर बात करें, विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो हमारा हॉकी जो है नेशनल स्पोर्ट्स है, 69 का डी क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 70 की बात करेंगे, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल लाइक आयरन ड्यू टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर वगैरह जब जो है हो जाता है तो क्या होता है, करिजन होता है, तो क्वेश्चन 70 का जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। 71 की बात करेंगे, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, तो 7 जो है पीएच वैल्यू है न्यूट्रल सोल्यूशन की, इस तरह से ब्लड की देखें तो 7.3 से लेकर 7.6 तक होती है, हालांकि मैं किसी लेक्चर में आपको डीपली इन चीजों में बता दूंगा, बट फिलहाल वीडियो लंबी जा रही है तो आंसर्स जो है मैं डायरेक्टली बताना चाहूंगा। 72 की बात करें, इन द रिएक्टिव सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो इन सीरीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो वो आपका पोटेशियम रहेगा जो कि ऑप्शन बी है। 73 की बात करें, हु इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा।
74 की बात करेंगे, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो 206 जो है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बोन्स रहती है। अब मुझे आप बताइए कि न्यूली बर्थ बच्चा जो होता है उसकी बोन्स 206 से ज्यादा होती हैं या कम होती हैं, वो ऑप्शन का आंसर जो है आप करेक्ट कर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है एम्पियर होता है, एम्पियर ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करें 75 की, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो प्रिंसिपल जो है वो किसका, वो डेल्टन का है, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 का। देखिए डेल्टन थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो डेल्टन थ्योरी में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें जो डेफिनेटली आपने जो लाइन पढ़ी होगी, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स जो है कभी क्रिएट नहीं किए जा सकते और ना ही कभी खत्म किए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो ऑप्शन है आंसर वो ऑप्शन बी है। 77 की बात करें तो कमांड फॉर कॉपी एमएस शॉर्टकट की पूछी गई है, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताई थी, तो कॉपी की कमांड शॉर्टकट जो है कंट्रोल सी रहती है। मेरे जो 30 क्वेश्चन थे उस पे एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक ही क्वेश्चन कंप्यूटर का यहाँ पूछा गया है और मेरे 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उस पे कंट्रोल सी की शॉर्टकट कमांड जो है मैंने आपको दी थी और वो क्वेश्चन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिला है। बट बहुत ही बुरा लगेगा मुझे क्योंकि एक ही क्वेश्चन कंप्यूटर एप्लीकेशन से आज के डिजिटल एरा में डाला जा रहा है, तो मुझे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट जो है अपसेट रहूंगा क्योंकि एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस जो है मेरे अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट थे इस पेपर में। नेक्स्ट बात करें 78 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो फेमस बुद्धिस्ट साइट कौन सी है जम्मू कश्मीर में, इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सी फेमस साइट्स हैं बट इनमें से मेरे को जो है मेरे अकॉर्डिंगली मैंने किसी को सुना नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर है, गूगल कर लीजिएगा इस चीज को। HCF of 43, 83 and 140, तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने निकाल दिए हैं, 7 जो है ऑप्शन सही रहेगा 79 क्वेश्चन का ए पार्ट, और उसी के साथ में ऑन बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पन सिचुएटेड, तो हड़प्पन जो है कौन सी रिवर में सिचुएटेड है उसका आंसर पूछा गया, तो रिवर रावी में सिचुएटेड है। एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एंशियंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक थी, तो डेफिनेटली बहुत से वीडियोस जो है नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे, फिलहाल अभी मेरी वीडियोस के जो है पॉलिटी के पार्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर जो है हमारा बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। रबी क्रॉप, देखिए क्रॉप्स आपने पढ़ी होंगी खारिफ रबी और सीजनल, तो यहाँ पे खारिफ जो है वो जून जुलाई में हम लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको जो है कार्ड कल्टीवेशन कर देते हैं, इसको सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, मार्च में कल्टीवेशन होती है, मार्च में लगाया जाता है और जून में कल्टीवेशन की जाती है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका कॉटन जो है वो आपका खारिफ क्रॉप है, रबी क्रॉप नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि एलसीएम जो है वो आपको बताना है 87 145 का, तो इसका जो है मेरे को फिलहाल 87 करके मैंने सॉल्व किया था इसको, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी है 435, तो इसको आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। एवरेज करने के लिए इन सबको सम करिए और डिवाइड करिए 1, 2, 3, 4 टर्म से, जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आपका सही आंसर रहेगा, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है 355 है जो कि ऑप्शन ए है। उसके साथ में बात करेंगे 85th क्वेश्चन की, 70% ऑफ 320, देखिए 100% जो है ऑलरेडी परसेंटेज के क्वेश्चन जो है मेरे 1/100 जो है 1% रहता है, उसी के साथ 50/100 जो है 1/2 यानी 50% रहता है, तो इस तरह से मैंने आपको जो है परसेंटेज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए हैं, तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है आपका वो आंसर सी रहेगा 315। उसके साथ में 86 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है जो है SPCP, आपको जो है फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, प्रॉफिट के फॉर्मुलाज आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे, तो 86 के क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है 67.50। उसी के साथ में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 87 के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे अ शॉपकीपर रिक्वायर्स 105 kg राइस फॉर अ वीक, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस विल बी रिक्वायर्ड इन, देखिए एक शॉपकीपर है 105 किलो चावल जो है उसको एक हफ्ते में चाहिए होते हो, तो 58 डेज के लिए उसको कितने चावल की कलेक्शन करनी है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी रहेगा जो कि 870 है। उसके साथ में नेक्स्ट बात करें कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग का जो है सिंपल सीरीज दी गई है, इसका आंसर जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिलहाल मैंने अभी जो है इसको सॉल्व नहीं करा, 1-2 क्वेश्चन ही मैथ के मैंने सॉल्व करे थे और मैं बाहर हूँ, इतना टाइम भी नहीं जो है मुझे लग पा रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, बट फिर भी जो क्वेश्चंस आपको बताने हैं आंसर मेंस जो आपको गूगल करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, वो जो मुझे आते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट बात करें हाउ मेनी चैम्बर्स, तो यहाँ पे पूछा गया कि ह्यूमन हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, 2 auricle और 2 ventricle, तो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो है डी पार्ट सही आंसर है। उसके साथ में पेन इज अ पॉइंट टू द नीडल इज टू, तो यहाँ पे 90 का ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है, टेलर जो है सही आंसर रहेगा इसका। रीजनिंग के क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर देंगे मुझे पता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेक्चर बनाकर डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल में। नेक्स्ट बात करें ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मुझे जो है कंफ्यूजन लगी है क्योंकि यहाँ पे अगर
एज जो है कोई कॉम्बिनेशन, या अगर डी यहाँ पे होता तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन पाता था, तो इस क्वेश्चन को शायद ग्रेस मार्क जो है कैंडिडेट को दिया जा सकता है एक नंबर का। आई एम नॉट डैम श्योर, बट ये क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंगली कहीं पे सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर क्योंकि डी का जो है कोई भी लिंक जो है ए से नहीं बन पा रहा है, तो उस कारण से जो है आई होप टाइपिंग मिस्टेक में या फिर ए की जगह डी करना था या डी की जगह ए करना था, जो कि लिटिल बिट मिस्टेक शायद हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, करनाल जो है वो इंडिया में है और कनाडा जो है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो है ब्रैम्पटन सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 to 600, इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन पेपर, जो कि 100 क्वेश्चन से आज आपका पेपर जो है हुआ है। पेपर का लेवल देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली पेपर का लेवल जो है लो टू मीडियम है, कोई पेपर जो है हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, लो टू मीडियम पे जो है आज का पेपर आपको देखने को मिला है। हालांकि एक जो है डिसअपॉइंटमेंट मुझे रहेगी कि कंप्यूटर का सिर्फ एक क्वेश्चन डाला गया है, हालांकि वो क्वेश्चन आपको मेरे 30 क्वेश्चन जो मैंने एक्सपेक्टेड दिए हैं उसमें से मिल ही जाएगा, वो डेफिनेटली मिलेगा, वो क्वेश्चन डाला हुआ मैंने, बट जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पे इस पेपर में मुझे देखने को मिला कि कंप्यूटर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस डिजिटल एरा में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में मेरे पॉलिटी के सेशंस जो हैं चल रहे हैं, तो जितने कैंडिडेट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स जो है मैं इस वीडियो हर एक वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल में शेयर करता हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।